चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगुलर स्पीड ऑफ मोटर इंक्रीजेस फ्रॉम 600 रोटेशन पर मिनट टू 1200 रोटेशन पर मिनट इन 10 सेकेंड, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा यही चीज अगर लीनियर वेलोसिटी के टर्म में बात की जाती तो, लीनियर के टर्म में बात की जाती तो ए इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, और एंगुलर वेलोसिटी के बात के टर्म में बात की जाएगी तो किस तरह लिखेंगे। तो देखो लीनियर वेलोसिटी के टर्म में बात की जाएगी तो ए लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल, टी इनिशियल हम कंसिडर कर लेते हैं जीरो। सिमिलरली एंगुलर के टर्म में अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और टी इनिशियल को हमने जीरो का टी फाइनल को टी कह दिया। तो ये इक्वेशन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी हो जाएगा ए, और यहाँ अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी हो जाएगा। अब ओमेगा इज इक्वल टू होता 2 पाई न्यू, तो ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 पाई न्यू 1, ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 पाई न्यू 2, और ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी ये न्यू 1 है या न्यू इनिशियल, ये न्यू 2 है ठीक है, लेकिन ये आरपीएम में दिया, रोटेशन पर मिनट में दिया हुआ है। तो न्यू 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 600 रोटेशन पर मिनट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, रोटेशन पर 60 सेकंड, जीरो जीरो क्या और 610 हो जाएगा, न्यू 1 की वैल्यू रोटेशन पर सेकंड, न्यू 1 की वैल्यू 10 हो गई, न्यू 2 की वैल्यू कितनी होगी देखो जरा, 60 डिवाइड करेंगे 20 आएगा, रोटेशन पर सेकंड हो जाएगा, न्यू 1 न्यू 2 की वैल्यू आ गई। अब अल्फा इज इक्वल टू होगा 2 पाई न्यू 2 माइनस 2 पाई न्यू 1 बाई टी, 2 पाई कॉमन ले लो तो न्यू 2 माइनस न्यू 1 अपॉन टी, टी की वैल्यू 10 सेकंड है, क्वेश्चन दिया हुआ 10 सेकंड, तो ये वैल्यू यहाँ रखना 2 पाई बाई 10, और न्यू 2 की वैल्यू है 20 माइनस 10, दोनों का डिफरेंस 10 आएगा, 10 इस 10 से कट जाएगा 2 पाई आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई रेडियन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।